Okay, students, come toward the unit number 33, use of should in one condition. First of all, might give suggestion, but should is ordering, is a way of ordering something. कि तुम्हें ये करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे जो है वो जाना चाहिए था, या इस तरह से उसको उठाना चाहिए था. अभी इस चाहिए वाली कंडीशन के लिए आप जो हो वो शुड यूज़ करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ डिफरेंट जो है वो उन्होंने दी हुई है, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. यहाँ पे देखें, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, शुड डू समथिंग इज़ अ गुड थिंग टू डू और राइट थिंग टू डू. यू कैन यूज़ शुड टू गिव एडवाइस और टू गिव अ कंपेनियन. मीन्स आप दो चीज़ें लेके बैठे हुए हैं खाने के लिए और आपको समझ नहीं आ रही है अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी. एंड यू टेक देयर योर ओन योगर्ट एंड देन कैप्ट इट इन द फ्रिज. उस वजह से अब बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी ख़राब हो रही हैं. सो अब यहाँ शुड आप यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में. यू शुड डू वर्क हार, यू शुड हेल्प योर सिस्टर. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स एंड इंक्लूडेड इन दिस यूनिट. देन इट इज़ सेड दैट यू कैन यूज़ शुड व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट और व्हाट टू एग्जैक्ट. मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते तो वहाँ आप शुड यूज़ कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज़ शुड टू से दैट वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन. यू शुड नॉट हैव टू, इसी तरह से इनके जो है वो नेगेटिव है, शुड नॉट हैव टू, वेब हैव टू, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करें. और शुड के बजाय एक वर्ड है ऑट टू, ये भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, होप सो यू आर क्वाइट क्लियर. डू प्रैक्टिस ऑफ दी एक्सरसाइज एंड देन आस्क मी.